ज़ू की हालत के बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी। एक हमारी डेवलपमेंट स्कीम भी है, वो जो कराची का जो हमने 10 अरब रुपये का पैकेज, उसमें कराची ज़ू की भी स्कीम है, वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सकी। उसमें काफ़ी राम खान साहब, मेयर साहब, हमारे MP हैं सवाई अली खान साहब, और वो लोग सारे मिलके इस पर कुछ काम कर रहे थे। मैं चाह रहा था खुद आके इधर ज़ू की हालत भी देखूँ और उस स्कीम के बारे में भी थोड़ी जानकारी लूँ कि उसमें क्या क्या है। साइट पे खड़े होकर मैंने ऑफिस में तो ली थी एक बार ब्रीफिंग, ये ओवर ड्यू था, कुछ दिनों पहले ही मुझे करना था, और इसी सिलसिले में आया हूँ। इसमें ये मैं बता दूँ कि बीबी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनका भी बड़ा कंसर्न था ज़ू के बारे में। कुछ दिनों पहले एक चिंपैंजी जो था उसकी डेथ हो गई थी, सिलसिले में भी उनसे उन्होंने मुझसे कहा था। तो को ये मकसद यही है कि इस ज़ू को, जो इस शहर के बीच में तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन है, उसको ऐसे रिहेबिलिटेट किया जाए कि इस शहर के लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे, एक ऐसी जगह मिले जहाँ पे जैसे हम बचपन में अपने आया करते थे अपने वालदैन के साथ, तो ऐसी जगह मिले कि जहाँ पे वो आके अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकें, कुछ मालूमात भी हासिल कर सकें, और जो है जानवरों से प्यार करने का एक जज्बा भी पैदा कर सकें। शाह साहब, ये इसका जो माहौल है आज़ाद का, आपने आके आज़ाद खान को जो हुसन, क्योंकि ज़ू के इतराफ में बहुत सारे तजावजात हैं, इंशाल्लाह सारे ख़त्म करेंगे। मुझे है ओवर द ईयर भी बहुत, अब मैं हर चीज़ जो है वो रेपिटेशन हो जाती है। तजावजात पूरे शहर में हर जगह पे हैं, जो उसके मकासद हैं मैं कहता रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनको ख़त्म किया जाए। शाह साहब, ये ज़ू शहर के अंदर है, बच्चों को आना चाहिए, मगर आम हालात में शहर के जो फैमिलीज हैं और बच्चे हैं, इसकी एनवायरनमेंट की वजह से नहीं आ पाते, तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम और उसको करेंगे? यही मैंने कहा, मुझे याद है मैं बचपन में अपने वालदैन के साथ हम सारे बहन भाई इधर ज़ू पे आया करते थे, और इंशाल्लाह ताला वही हालात करेंगे शहर के बच्चों को। और दुनिया भर में बड़े शहर जो होते हैं, कराची दुनिया के छठा बड़ा शहर है मेरे ख्याल में, और इससे भी बहुत छोटे छोटे शहर हैं उनके बड़े, माशाल्लाह जब टूर करने जाते हैं या वेकेशन पे बंदा जाता है कोई अपने बच्चों को लेके या क्या, तो वो दूसरे शहरों में जाके ज़ू दिखाता है बच्चों को। हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ही करेंगे कि पूरे पाकिस्तान से, बाहर से नहीं तो कम अज़ कम पाकिस्तान से लोग कराची ज़ू देखते हैं। कराची में कुछ मजीद जानवर आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि वो डिटेल अभी मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता, मैं आपको कह दूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि इसका कॉन्सेप्ट चेंज किया जाए, जो जानवरों को जंगले में केज में डालने का कॉन्सेप्ट है उसको हटा के उनको एक खुली इन्वायरमेंट दी जाए। मैंने यही पता किया कि जगह इतनी है इधर कि वो कर सकते हैं मैनेज, और उस हिसाब से जो है आई एम श्योर जो प्लान होंगे उसमें और जानवर लाने का, लेकिन स्पेसिफिक मैं मुझे पता है ना, मैं बताऊँगा। जी जी, मैं यही चाह रहा हूँ, मैं इसलिए आपसे पहले बात कर ली, मैं चाह रहा था कि मैं ज़रा आराम से चक्कर लगा लूँ और देख सकूँ, और आप लोग भी जाके आराम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपको घूमता फिरता आप गवर्नर के साथ आपके सियारे में आए थे? हाँ, वो साथ आए थे हम। अच्छा, कोई हाल बात बताएं? मैं तो ज़ुबैर को, ज़ुबैर साहब को काफ़ी अर्से से जानता हूँ, और हाल हवाल के गपशप लगी हमारी।